दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर विलन प्राण के बारे में। तहरीर अनीस अमरोही की है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का ज़माना था। हर तरफ अंग्रेज सरकार का रौब व दबदबा था और हिंदुस्तानी आवाम में मुल्क की आज़ादी के लिए छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग अपनी शान व शौकत बरकरार रखने के लिए अंग्रेज़ों की हिमायत कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो खामोशी से सरकार के लिए काम भी कर रहे थे मगर दिल से अपने वतन की आज़ादी के ख्वाहां थे। ऐसे ही एक शख्स लाला केवल किशंद सिकंद का छोटा सा कुनबा पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में आबाद था। लाला जी सरकार के कामों का ठेका लिया करते थे। उन्हीं लाला केवल किशंद सिकंद और उनकी बीवी रामेश्वरी सिकंद के यहाँ 12 फरवरी 1920 ईस्वी को प्राण किशन सिकंद की पैदाइश हुई, जो आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े विलेन के तौर पर पहचाने गए। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। बाप ने पुलिस वाले का नमक खाया है, बेटी हक अदा कर रही है। लाला केवल किशन अपने मुख्तलिफ सरकारी ठेकों के सिलसिले में कई शहरों में ठिकाने बदलते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्राण किशन सिकंद की इब्तदाई तालीम दिल्ली, मेरठ, देहरादून और रामपुर जैसे शहरों में हुई। उन्होंने रजा हाई स्कूल रामपुर से हाई स्कूल पास किया। प्राण को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लिहाजा वो दिल्ली गए और दास एंड कंपनी स्टूडियो में फोटोग्राफर की मुलाजमत करने लगे। इत्तेफाक से उस स्टूडियो का एक यूनिट शिमला में भी था, लिहाजा प्राण को शिमला भेज दिया गया। शिमला में प्राण ने तकरीबन एक बरस फोटोग्राफर का काम किया और फिर किसी जरिए से लाहौर चले गए। लाहौर में भी वो बहैसियत फोटोग्राफर ही काम कर रहे थे। प्राण को सिगरेट पीने का शौक 12 बरस की उम्र से ही लग गया था। एक दिन वो लाहौर में किसी पान वाले की दुकान से सिगरेट खरीद रहे थे। इत्तेफाक से वहाँ लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद वली भी मौजूद थे। वली साहब को प्राण के सिगरेट पीने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ लगा और वो उनको गौर से देखने लगे। दरअसल यहाँ वली साहब को अपनी लिखी एक फिल्म का किरदार याद आ रहा था जो वो प्राण में देख रहे थे। वली मोहम्मद ने प्राण से अपना तारुफ कराया और वहीं से एक कागज़ लेकर अपना पता लिखकर प्राण को दिया और कहा कि वो किसी रोज़ इस पते पर आकर उनसे मुलाकात करें। प्राण ने वो कागज़ लेकर रख तो लिया मगर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कई रोज़ के बाद वली मोहम्मद साहब की मुलाकात किसी सिनेमा घर पर फिर प्राण से हुई तो उन्होंने प्राण से मुलाकात वाली बात को दोहराया। प्राण ने पूछा कि वो क्यों उससे मिलना चाहते हैं। तब वली साहब ने बताया कि वो उनको फिल्म में काम दिलवाना चाहते हैं। प्राण ने उनकी इस बात को भी संजीदगी से नहीं लिया मगर मुलाकात का वादा कर लिया। एक दिन प्राण वली साहब के दिए हुए पते पर पहुँच गए और तब वली मोहम्मद साहब ने प्राण को मुख्तसरन फिल्म यमला जट की कहानी के विलन के किरदार के बारे में बताया और प्राण इस फिल्म में काम करने पर आमादा हो गए। ये वाकया 1940 ईस्वी का है। प्राण की पहली फिल्म यमला जट कामयाब हुई और उन्होंने वली मोहम्मद साहब के साथ बाद में भी कई फिल्मों में काम किया। वली मोहम्मद साहब लाहौर में दलसुख पंचोली के पंचोली स्टूडियो में मुस्तकिल मुलाजमत पर स्क्रिप्ट राइटर, मुकालमा निगार और नगमा निगार थे। उन्होंने प्राण को पंचोली स्टूडियो से ये सहूलत दिलवा दी थी कि वो फुर्सत के औकात में अपने फोटोग्राफी के काम को जारी रख सकते थे। मोती बी गिड़वानी की हिदायत में बनी फिल्म यमला जट की कामयाबी के बाद प्राण ने शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म खानदान साइन की, जिसमें मलगए तरन्नुम नूर जहाँ हीरोइन थी। प्राण की पहली फिल्म यमला जट में नूर जहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुकी थी। फिल्म खानदान में नूर जहाँ की उम्र सिर्फ 15 बरस थी और वो प्राण से कदमें छोटी थी, लिहाजा दोनों के क्लोजअप शॉट लेते वक्त नूर जहाँ को एक छोटे से स्टूल पर खड़ा किया जाता था। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? घड़ी से पूछो तो चंद मिनट कहेगी और मेरे दिल से पूछो तो कई बरस कहेगा। 1945 ईस्वी में प्राण की शादी श्रीमती शुक्ला के साथ लाहौर में हुई और एक किस्म की घरेलू जिम्मेदारियां उन पर आ गईं। लाहौर में 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक प्राण 22 फिल्मों में अदाकारी कर चुके थे और 18 फिल्में अभी उनके पास बाकी थीं, जब 1947 ईस्वी में उनके करियर में एक खला आ गया जो मुल्की तकसीम से वाबस्ता था।
1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की तमाम फिल्में गैर मुनकसम हिंदुस्तान में बनी थीं। तकसीम हिंद के वक्त प्राण बम्बई चले आए और काफ़ी दिनों तक उन्हें यहाँ कोई फिल्म नहीं मिली। तब उन्होंने अपना कैरियर बदलने का इरादा कर लिया और बम्बई के मरीन ड्राइव पर होटल डेनमार्क में मुलाजमत शुरू कर दी और तकरीबन 8 माह के बाद बम्बई टाकीज़ में सआदत हसन मंटो की सिफारिश पर उनको फिल्म जिद्दी में काम मिल गया। फिल्म जिद्दी देवानंद की भी पहली फिल्म थी और कामिनी कौशल उस फिल्म की हीरोइन थी। उस फिल्म की कामयाबी के बाद प्राण को लगातार फिल्में मिलनी शुरू हो गईं। 1948 ईस्वी में जिद्दी के बाद उसी साल प्राण की नेक दिल, गृहस्थी, चुनरिया, ब्राह्मण और बरसात की एक रात फिल्में रिलीज हुई। अब प्राण को लगातार फिल्में मिल रही थीं और उनकी शोहरत हिंदुस्तानी सिनेमा में बढ़ती जा रही थी। अगले ही बरस 1949 ईस्वी में उनकी 5 फिल्में राखी, पुतली, जन्मपत्री, बड़ी बहन और अपराधी रिलीज हुई। इनमें बड़ी बहन फिल्म बहुत कामयाब रही और प्राण की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। 1949 ईस्वी में वली मोहम्मद वली की फिल्म पुतली में एक बार फिर प्राण को मौका मिला। वली साहब भी तकसीम के बाद बम्बई आ गए थे और एक प्रोड्यूसर के बतौर महालक्ष्मी रेसकोर्स के पास फेमस स्टूडियो में उन्होंने अपना ऑफिस भी बना लिया था। इसके बाद लगातार बतौर विलन प्राण साहब को फिल्में मिलती रहीं। 1952 ईस्वी में वली मोहम्मद वली की फिल्म जमाने की हवा में एक बार फिर दोनों का साथ रहा। 1953 ईस्वी में प्राण ने पहली बार राज कपूर के साथ फिल्म आह में काम किया। ये उनका पहला शरीफ आदमी का किरदार था और थोड़ा अलग किस्म का, जो प्राण ने नहायत महजब तरीके से अदा किया था। राज को बुखार तो ज्यादा नहीं, लेकिन ये खांसी अच्छी नहीं। मैं कल राज का एक्सरे ले रहा, बुखार तो एक दो दिन में उतर जाएगा, लेकिन ये खांसी। 1955 ईस्वी में देवदास, बारादरी, मुनीम जी और आजाद जैसी फिल्मों में प्राण ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और उनके चाहने वालों की तादाद हिंदुस्तान भर में तेजी से बढ़ने लगी। हमारे होते हुए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? तुम जैसे साथियों का क्या फायदा जब तुम्हारे होते हुए मेरी इज्जत खाक में मिल गई? चरणदास मुझे इंसान नहीं हैवान समझता है। तुम्हें कहो चंद्र, क्या मैं शोभा के काबिल नहीं? आखिर मुझ में ऐसा कौन सा याद है कि मैं चरणदास का दामाद नहीं बन सकता? सरकार, चांद में भी एक दाग है, लेकिन आप में तो वो भी नहीं। फिल्म आजाद में पहली बार उनका साथ दिलीप कुमार के साथ हुआ। 1958 ईस्वी में दिलीप कुमार के साथ बिमल राय की फिल्म मधुमति में प्राण की अदाकारी को काफ़ी सराहा गया। इसी साल जेमिनी फिल्म्स की राजतिलक में भी प्राण मौजूद थे। 1949 ईस्वी में बाबू भाई मिस्त्री की हिदायत में बेदर्द जमाना क्या जाने और नाना भाई भट्ट की हिदायत में ढाका में भी प्राण नजर आए। इसी साल फिल्मालिया की दिल दे के देखो, मिनरवा मूवीटोन की दो गुंडे और लेखराज भाकरी की प्यार की राहें उनकी खास फिल्में रहीं। 1960 ईस्वी में बसंत, बेवकूफ, छलिया, दिल्ली जंक्शन, गैम्बलर, जिस देश में गंगा बहती है, माँ बाप और ट्रंक कॉल जैसी अहम फिल्मों में प्राण मौजूद थे। मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अकेले ही तुमसे हिसाब चुकाऊंगा। ओए, अगर तुम मर्द का बच्चा है छलिया, तो हम भी पठान का बच्चा है। हम पैदा करता है कि उस वक्त तक नहीं जाएगा यहाँ से जब तक कि हमारा तुम्हारा हिसाब चुक नहीं जाएगा। राजकुमार की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में प्राण ने खूंखार डाकू का किरदार बड़ी खूबसूरती से अदा किया था। बेसब्र क्यों होते हो ताऊ, सबके सब फांसी चढ़ेंगे। मगर एक सीन में जब उनकी आंखें भीग जाती हैं तो वहां फिल्म बीनों को पता चलता है कि इंसान कितना भी खूंखार क्यों ना हो, मगर उसके दिल के किसी न किसी गोशे में इंसानियत जरूर जिंदा रहती है। 1961 ईस्वी में जब प्यार किसी से होता है में नासिर हुसैन की हिदायत में और 1962 ईस्वी में दिल तेरा दीवाना, हाफ टिकट, झूला और मनमौजी जैसी फिल्मों में प्राण ने बेहतरीन किरदार अदा किए। हाफ टिकट और मनमौजी फिल्मों में किशोर कुमार उनके साथ थे। 1963 ईस्वी में मनमोहन देसाई की हिदायत में ब्लफ मास्टर, रावल फिल्म्स की दिल ही तो है, शक्ति सामंत की एक राज, H.S. रवेल की मेरे महबूब, नासिर हुसैन की फिर वही दिल लाया हूँ और फिल्मसाज विक्रम प्रोडक्शन की प्यार किया तो डरना क्या जैसी कामयाब फिल्मों में प्राण के यादगार किरदार थे। खास तौर पर फिल्म मेरे महबूब के अय्याश और बिगड़े हुए नवाब मुन्ने मियाँ को तो लोग आज तक भूले नहीं हैं।
लाला जी नवाब बुलंद अख्तर के खानदान के कर्जे के तमाम कागजात लोगों से दुगने तिगने चौगने दाम देकर खरीद लिए जाएं। बहुत बेहतर सरकार। मैं अब इस नवाब के बच्चे को लखनऊ में जलील करके रखूंगा। इसी तरह 1964 ईस्वी में फिल्म कश्मीर की गली के ठेकेदार का वो मुकालमा, शताले शताले शंपा, हमारा भी समय आएगा, लोगों को आज भी याद है। जिस दिन तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी और मेरे सर पे जेहरा बनेगा। शर्म? सच को जाऊं, शताले शताले हमारा भी समय आएगा। प्राण की एक खास बात ये थी कि वो हर फिल्म में अपनी एक अलग किस्म की डायलॉग डिलीवरी पेश करते थे और एक अलग किस्म का एक्शन, जैसे सिगरेट पीने का अंदाज, जेब से रुमाल निकालना और रखना, उंगली नचा के बोलना, एक आँख को मिचका के बोलना और लंगड़ा के चलना, जैसे मुख्तलिफ किस्म के एक्शन से किरदार साजी किया करते थे। आज तो बहुत जीता है। मुबारक हो। सिगरेट भी हो। की औलाद, शेर खां काले का धंधा करता है लेकिन ईमानदारी से, समझे? 1965 ईस्वी में एक बार फिर फिल्म दो दिल, खानदान, गुमनाम, मेरे सनम और शहीद जैसी फिल्मों से प्राण ने अपनी अदाकाराना सलाहियतों से फिल्म बीनों का दिल जीत लिया था। हालांकि हर फिल्म में उनका किरदार मनफी होता था, मगर एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ होता था कि हर किरदार अलग ही अपनी छाप छोड़ता था। गोविंद की शादी घर के नौकरानी से? इसी बात को तो मैं रो रहा हूँ कि शाम से शादी के बाद नील माँ का दर्जा भी एक नौकरानी के बराबर हो जाएगा। पुप्पी, मुझे तो शक है कि तू भी इन कमीनों के साथ मिल गई। क्या बकता है, पागल हो गया क्या? तू क्या समझती कि मैं अपनी लाडली बहन को उस घर में दूंगा? ये वो जमाना था जब लोग फिल्मों की पब्लिसिटी में प्राण का नाम देखकर ही फिल्म देखने जाते थे। 1966 में प्राण के नेगेटिव किरदार वाली दिलीप कुमार, वहीदा रहमान की फिल्म दिल दिया दर्द लिया आई। करदार साहब की इस फिल्म में प्राण ने एक अलग किस्म की अदाकारी की थी। शुरू में वो रियासत के राजकुमार को तरह तरह से जलील करता है और जब राजकुमार अपने असली किरदार में सामने आता है तो प्राण दर दर भटकते हुए भी अपनी इस नफरत को कम नहीं कर पाता और राजकुमार को एक मुलाजिम की तरह ही कमतर समझता है। शंकर, क्लास में शराब बनाओ। अनाज की बोरियां गोदाम में रख दी? जी हाँ, रख दी। कोई मक्कारी या बेईमानी तो नहीं की? उसी बरस मनोज कुमार और आशा पारेख की कामयाब तरीन फिल्म दो बदन में भी प्राण ने कामयाब विलेन का किरदार अदा किया। क्या हुआ आशा, मेरे छूने से तुम्हें इतनी घृणा क्यों हुई? पीछे क्यों हट गई? मेरे हाथों में आग तो नहीं थी जो तुम्हें जला देती? क्या तुम मुझे इतना बुरा आदमी समझती हो कि नफरत के सिवा मुझे और कुछ नहीं दे सकती? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? कौन सी बुराई की थी मैंने तुम्हारे साथ? बोलो आशा, बोलो, जवाब दो। या तुम इस वक्त यहां मेरी जगह विकास को तो नहीं देखना चाहती हो? फिल्म मिलन, पत्थर के सनम और दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम में अपनी बेहतरीन अदाकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उसी बरस फिल्म साज और हिदायतकार मनोज कुमार ने फिल्म उपकार में पहली बार प्राण को बिल्कुल अलग तरह के करेक्टर एक्टर के तौर पर मलंग बाबा के किरदार में पेश किया। मनफी किरदारों में प्राण का वो उरूज का जमाना था, मगर मलंग बाबा के किरदार में प्राण ने कुछ इस तरह से प्राण डाले कि वो फिल्म आज भी सिर्फ मलंग बाबा के किरदार की वजह से ही याद की जाती है। फिल्म उपकार से प्राण का एक नया फिल्मी सफर शुरू होता है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में करेक्टर एक्टर के बतौर ही किरदार निभाए और अपने फन की बुलंदियों से फिल्म बीनों की तवज्जो हासिल करते रहे। ये एक अजीब इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि फिल्म उपकार से प्राण साहब का विलेन रुखसत हो रहा था और उसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा नाम का विलन अपनी ज़िंदगी का एक अहम किरदार अदा कर रहा था। बाद में प्रेम चोपड़ा ने काफ़ी अरसे तक कामयाबी के साथ फिल्मों में विलेन के किरदार अदा किए और प्राण साहब आहिस्ता आहिस्ता करेक्टर आर्टिस्ट बनते चले गए। 1968 में प्राण की कई कामयाब फिल्में नुमाइश के लिए पेश हुई, उनमें साधु और शैतान, कहीं दिन कहीं रात, ब्रह्मचारी, आदमी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं।
1949 में सच्चाई, नन्हा फरिश्ता, भाई बहन, अनजाना और आंसू बन गए फूल जैसी फिल्मों से प्राण ने अपनी मकबूलियत और शोहरत को बरकरार रखा। 1970 ईस्वी में यादगार, समाज को बदल डालो, पूरब और पश्चिम, हमजोली, गंवार, भाई भाई, कब क्यों और कहां, हीर रांझा, तुम हसी मैं जवां और जॉनी मेरा नाम जैसी कामयाब फिल्मों में प्राण की फनकाराना सलाहियतों से चार चांद लगे। आज भी हीर रांझा के किरदार लंगड़े चाचों को कौन भूल पाया है, जो हीर को सिर्फ इसलिए जहर खिला देता है ताकि वो जिंदा हालत में रांझा को हासिल ना हो सके। 1971 ईस्वी से 1973 ईस्वी के दरमियान प्राण की कई फिल्मों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इनमें 1971 में नया जमाना, ज्वाला, गुड्डी, गंगा तेरा पानी अमृत और अधिकार काबिल जिक्र हैं। हेलो हीरो। ओ आइए प्रांजा। बैठ जाओ नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा, शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। कब आए मद्रास? कल ही आया, बहुत गर्मी थी, देखो बिल्कुल काला हो गया। इनसे मिलिए, प्रोफेसर गुप्ता, कुसुम, नवीन। आप फिल्म में काम करते हैं? जी नहीं। करना चाहते हैं? जी नहीं। कमाल, ये पहला आदमी है जैसे फिल्म का ग्लैमर ही नहीं है। अरे प्राण साहब, बड़ी अच्छी घड़ी है। अरे ये तो यूं ही कल एक आदमी जबरदस्ती छोड़ गया, मैंने उससे कहा भी मेरे पास बहुत खड़ी है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो माने ही नहीं। देखो ना क्या नीला नीला डायल है, देखो तुम्हें पसंद है? इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये लो तुम रख लो। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में अशोक कुमार के साथ प्राण ने बेहतरीन कॉमेडी पेश की और फिल्म जंगल में मंगल में पहली बार प्राण ने डबल रोल अदा किया था। उन्नीस सौ तिहत्तर ईस्वी में मशहूर और मकबूल हिदायतकार प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन के मुकाबले प्राण को एक नया गेटअप देकर शेर खान के किरदार में पेश किया था। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर, हमारा खुशकिस्मती कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया, हमारे लायक कोई खिदमत। इस फिल्म को फिल्मी शायकीन ने शेर खान के किरदार की वजह से बार बार देखा और अदाकार अमिताभ बच्चन को ये फिल्म प्राण की सिफारिश पर ही मिली थी। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन की फिल्मी जिंदगी का सफर बुलंदियों तक के लिए जारी हुआ था। प्राण फिल्मी दुनिया के ऐसे अकेले अदाकार थे जिन्होंने एक ही खानदान की तीन नस्लों, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और ऋषि कपूर के साथ काम किया। 1972 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक प्राण ने तकरीबन 158 फिल्मों में मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा किए। उनकी शोहरत और मकबूलियत इस दरमियान यकसां तौर पर बरकरार रही। प्राण चाहते थे कि वो मरते दम तक फिल्मों में काम करते रहें, मगर बढ़ती उम्र के साथ अब उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। 2002 ईस्वी में फिल्म तुम जियो हजारों साल, 2003 में फिल्म एक हिंदुस्तानी और 2007 ईस्वी में प्राण ने फिल्म दोष में काम किया। आज़ादी के बाद फिल्म जिद्दी से प्राण को विलेन के तौर पर जो कामयाबी मिली थी, उसके बाद 1949 ईस्वी में बड़ी बहन के बाद उनको लगातार विलेन के रोल मिलने लगे। 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक के ज़माने के तमाम बड़े हीरो जैसे दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के साथ प्राण को फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलते रहे। उन्होंने कई बड़े हिदायतकारों के साथ काम किया, एम वी रामन, नाना भाई भट्ट, कालिदास, देवानंद देव, आईएस जौहर, बिमल रॉय जैसे हिदायतकार प्राण को बार बार अपनी फिल्मों में ले रहे थे। इसके साथ ही 60 की दहाई में ही प्राण अपने ज़माने के दूसरे बड़े हिदायतकारों की पसंद रहे, ए भीम सिंह, शक्ति सामंत, भप्पी सोनी, के अमरनाथ, नासिर हुसैन और दूसरे हिदायतकार उनको अपनी फिल्मों में ले रहे थे। 70 की दहाई में कई नए फिल्मसाज़ों और हिदायतकारों ने प्राण को अपनी फिल्मों के लिए साइन किया और यही वो ज़माना था जब प्राण कई बड़े अदाकारों से भी ज़्यादा मुआवजा ले रहे थे। यह सिलसिला 1968 से 1989 तक कायम रहा। प्राण एक नहायत शरीफुल नस्ल किस्म के इंसान थे, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वो इंतहाई रहमदिल और मुखय्यर इंसान होने के साथ साथ एक ईमानदार आदमी थे। प्राण साहब जितने आला दर्जे के अदाकार थे उससे भी कहीं ज़्यादा आला दर्जे के इंसान थे। यहाँ उनकी ईमानदारी का एक वाकया बताना ज़रूरी समझता हूँ।
1972 ईस्वी में कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा बेहद कामयाब हुई और इसके मौसीकी रेज नगमों ने चलते हुए लोगों के कदमों को रोककर अपने आप सुनने पर मजबूर कर दिया था। मगर इस फिल्म की मौसीकी के लिए मौसीकार गुलाम मोहम्मद को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया था, बल्कि उस साल के लिए फिल्म बेईमान को बेहतरीन मौसीकी का अवार्ड दिया गया था। प्राण साहब को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसी फिल्म के लिए प्राण साहब को भी बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया, मगर प्राण साहब ने एहतजाजन बेईमान फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। ऐसे थे प्राण साहब। प्राण साहब को हिंदी नहीं आती थी, बल्कि वो अपने मुकालमे उर्दू में लिखवा लिया करते थे। उर्दू शायरी के प्राण साहब बहुत शैदाई थे और लोगों को निजी मुलाकातों में उर्दू के अशआर सुनाया करते थे। उनका तलफ्फुज बहुत उम्दा था, जो उनके मुकालमों की अदायगी में बहुत मददगार साबित होता था। नहीं अम्मा साई, शौकत की गर्दन तोड़ने वाले अब हमारी नाक काटना चाहते हैं। तेरी इज्जत और अकड़ दे, कभी इन दोनों खानदानों में सुलह करने की भी सोची है? अम्मा साई, ये अब्बा मरहूम के गर्म खून और आपके मीठे दूध का असर है। दिलीप कुमार से प्राण का बहुत खास ताल्लुक था। जब दिलीप कुमार की शादी सायरा बानो से हुई तो प्राण किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में श्रीनगर गए हुए थे। शादी की खबर सुनकर वो खास तौर पर हवाई जहाज से दिल्ली होते हुए बम्बई पहुंचे और ऐन निकाह के वक्त शादी में शरीक हुए और दूल्हा बने हुए दिलीप कुमार को गले से लगा लिया। प्राण साहब दिलीप कुमार से उम्र में सिर्फ 3 बरस बड़े थे। प्राण ने तकरीबन 60 बरस तक हिंदुस्तानी सिनेमा पर अपना एक ख़ास मकाम बनाए रखा। उन्होंने मनफी किरदार इतनी खूबसूरती से अदा किए कि लोग उनके किरदारों से नफरत करते थे, मगर उनके अदा करने वाले प्राण से मोहब्बत करते थे। उस ज़माने में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया था, मगर जब कोई फिल्म रिलीज़ होती थी तो एक दूसरे से पूछते थे कि इस फिल्म में गद्दार कौन है, या और प्राण का नाम पढ़कर फिल्म देखने ज़रूर जाते थे। प्राण साहब की सवाने मशहूर सहाफ़ी बिन्नी रॉबिन ने तहरीर की है, जिसका उन्वान है एंड प्राण। चूँकि फिल्म की पब्लिसिटी में सब अदाकारों के नाम के आखिर में प्राण साहब का नाम एंड प्राण लिखा होता था, उनके एक मद्दा ने समझा कि एंड प्राण साहब का सरनेम है, लिहाजा उनको एंड प्राण के नाम से मुखातिब करके एक तारीफ़ी ख़त लिखा। प्राण साहब को अपने फ़ैन की यह अदा बड़ी पसंद आई और उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी सवाने का उन्वान एंड प्राण ही तजवीज़ किया था। प्राण साहब को अपनी तकरीबन 65 साल फिल्मी ज़िंदगी में कई बार एजाजात से नवाजा गया। उन्हें 3 बार बेहतरीन मुआविन अदाकार के तौर पर फिल्म उपकार, आंसू बन गए फूल और बेईमान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 3 बार उनको बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अवार्ड से नवाजा गया। 2001 में प्राण साहब को हुकूमत हिंद की तरफ से उनकी कुल फिल्मी खिदमात के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया। अप्रैल 2013 में हुकूमत हिंद का सबसे बड़ा फिल्मी एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड से प्राण को नवाजा गया और उनकी अलालत की वजह से यह अवार्ड खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उनकी रिहाइश गाह पर जाकर पेश किया। 1997 में फिल्म फेयर की तरफ से प्राण साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 2010 में महाराष्ट्र हुकूमत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल ने दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों की तरफ से प्राण साहब को तकरीबन 20 मुख्तलिफ किस्म के एजाजात से नवाजा जा चुका है। प्राण की ख्वाहिश थी कि वो किसी फिल्म में चाणक्य का किरदार अदा करें, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। प्राण साहब काफ़ी अरसे से बीमार थे। 93 बरस की उम्र में 12 जुलाई 2013 ईस्वी की शाम उन्होंने मुंबई के लीलावती अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांस ली और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। फिल्मी दुनिया में अदाकार तो बहुत से आएंगे, मगर प्राण जैसा बेहतरीन अदाकार और साथ ही बेहतरीन इंसान शायद अब हमारी फिल्मी दुनिया को कभी मैसर ना आए।